अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ओए मीना, ओ गले सुन यार, ओए आज तो बहुत बड़ी बात होगी, पता नहीं तेरे को। ओए चोर, ओए काले चोर, ओए ओए आजू ना, ओए छटना नहीं कितने, ओए ओए क्यों हो गया, आजू मैंने ओए, मेरे घर में चोरी। मीना रुक, तू मेनू नहीं पहचान रही यार, तो मेरे डंडे से ही मेरे को मार रही है। ओ आवाज तो दे रहा हूँ कब से तेरे को। ओ जानू जी, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, और मैं मर जानी अपने भगवान वर्गे पति पे हाथ उठाया मैंने। ओ जी सॉरी जी, पर एक गल दसो भगवान वर्गे पति, मेरा मतलब जानू जी, तुसी ऐसे काले चोर बन के अपने घर विच क्यों आए हो जी। यार बात ही कुछ ऐसी है, तेरा भी दिमाग घूम जाएगा जब तू सुनेगी। मुझे अपनी पहेलियां ना तुसी पटियाले जाके बुझाओ, और मैंने साफ साफ बताओ कि गल की है। मैं ना फोन पे वीडियो कॉल पे शिव से बात कर रहा था, और सामने सड़क पे मैंने दूजे शिव को देखा। ओ इधर भी शिव, उधर भी शिव, दोनों तरफ शिव। और मैं पता तू ना सबूत के बिना बिल्कुल नहीं मानेगी। फिर दिखाओ सबूत कितने है। वो लियाना था यार मैंने, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज खराब हो गया था, वो इसलिए नहीं लिया पाया। मुझे सीसीटीवी को मारो गोली, और ये सपने दिखाना ना बंद करो मैनू, और चलो चल के सोते हैं। तुसी भी सो, मैं भी सो। तू सुन तो सही, एक बारी सोच के देख, जो दुकान पे सामने मैंने शिव को देखा था, वो कहीं वो अनिकेत तो नहीं था। लख दफा मना किया है तुहानू, कितनी ना पिया करो तुसी, ऐसा होता है क्या कहीं कि मरा हुआ इंसान वापस आ जाए। ओ तू और तेरा दिमाग ना एकदम भूल गए हैं, उस टाइम अपने को अनिकेत की ना बॉडी नहीं मिली थी, याद है तेरे को। ओ जानू जी, कितना टीवी सीरियल देखते हो तुसी, इसीलिए इतनी सीरियल देख देख के ना इतनी कहानियां बनाते रहते हो और सबनु सुनाते रहते हो। ओ तू सोच के तो देख, ध्यान से सोच एक बार, वो अगर अनिकेत जिंदा हुआ तो होर की कर लेंगे हम, अभी शिव की गुलामी करते तो फिर उसकी भी कर लेंगे। तू जब बोलेगी ना यार माड़ा ही बोलेगी, तू सोच के तो देख एक बार, जे अनिकेत जिंदा हुआ और उसको हमने अपनी तरफ ले लिया, तो सारी प्रॉपर्टी और पावर सब हमारे पास होगा, और ऊपर खानदान का सब कुछ हमारी मुट्ठी में। सच के ऊपर वाली, सच वाली बात है ना ये, सब कुछ हमारा। तुझे पता है ना आई कैसी है, उसकी बातों के बारे में तू ज्यादा सोच मत। ताई, लेकिन आई को ऐसा क्यों लगता है कि शिव धूपर की वजह से मैंने उसके पूरी फैमिली को बुलाया। तुझे तो पता है ना किरण आंटी किसी अनिकेत को लेके कितनी दुखी थी। मैंने तो सिर्फ उन्हें अच्छा फील कराने के लिए होलिका दहन के प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा छोड़, तू बैठ, मैं तेरे सर की चंपी करती हूँ, मस्त आ जा बैठ। वैसे इशू, एक बात बोलूं? बोल। तेरी और शिव की जोड़ी बहुत अच्छी जचेगी। क्या? ये तू क्या बोल रही है ताई? क्यों? तुझमें कुछ कमी है क्या? हाँ है ना, तूने सुना नहीं आई ने क्या कहा? नाजायज हूँ मैं। मुझ जैसी नाजायज को कौन सा खानदान अपनाना चाहेगा, वो भी धूप पर खानदान। इशू, तू ना खुद को बहुत कम समझती है, और वैसे भी ये नाजायज वाजायज आजकल कुछ नहीं होता, कोई नहीं मानता इसे। एक बात बताओ, कुछ रिश्ते ना खून के रिश्तों से भी बहुत ज्यादा गहरे होते, और तेरी बहन होने के नाते मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कि तेरी और शिव के रिश्ते में जरूर कोई बात है जो तुम दोनों को जोड़ के रखती है। वो फिल्मों में कैसा होता है ना, बिल्कुल वैसे। ताई तू क्या बोल रही है, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है? अरे सच तो बोल रही हूँ। मुझे मुझे एक बात सच सच बता, तुझे वो शिवदू पर हैंडसम नहीं लगता? मतलब जिस तरह वो दिखता है, जिस तरह वो चलता है,
तुझे पसंद होगा ना वो। जा सकते बिल्कुल नहीं। कौन से एंगल से हैंडसम लगता है वो तुझे? पूरा लैंप पोस्ट है वो। मुझे तो उसके छोटे भाई ने बताया कि शिव को मरून कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ तेरे कहने पे उसने वो पहना। इसका मतलब जानती है तू? नहीं, वो कलर ब्लाइंड होगा। मजाक मत कर ईशु, जवाब देना। ताई, मुझे लगता है तुझे अभी जाके सो जाना चाहिए। शाम की भांग अभी चढ़ी है क्या? वो शिव धूपर है, 6 फुट 4 इंच का खंबा है वो। उसे पानी देने के लिए भी स्टूल पर चढ़ना पड़ेगा मुझे। नकुरे बाबा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई रिश्ता। ईशु, ये रिश्ते ना हम नहीं बनाते, भगवान बनाते हैं। और एक ना एक दिन ना बप्पा तुझे जरूर इशारा करेंगे, तब तुझे मेरी बात का विश्वास होगा। चल मैं आती हूँ। पापा का इशारा है ईशु, उठा ले फोन। ताई, शिव कहीं हमारी बातें तो नहीं सुन रहा? तो इतनी रात को कौन कॉल करता है? मरून हैंगिंग्स भेजती। Why don't these people understand? अरे उठा ना तू फोन। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।